dear students, let's discuss on email writing. What is an email? Email stands for electronic mail. Few points are there while writing an email. Usme first point hai, email must be kept in a box. Jab bhi aap email likho, usko box mein hi likhna hai. After writing your full complete email, don't forget to draw a box. Second point, email has two types. First is informal, second is formal. Informal email writing kisko likha jata hai? Friends, family members or acquaintances, jo bhi hamare sage, jo bhi hamare kareeb ke rishtedar hai, usko likha jata hai, jisko bola jata hai informal email. Second number, formal email. Formal email kisko likha jata hai, kisko send kiya jata hai? Official person ko send kiya jata hai. For example, principal, officer, manager, coordinator, supervisor, like etc. Third point is, jo bhi header hota hai, header consists of few things. Suppose hume email likhna start kaise karna hai, informal ho chahe formal ho, dono email mein thoda hi ya fir one or two points hi different hai, baki pura format same hi hai. Jaise ki formal email hai ya fir informal email hai, स्टार्टिंग करनी है फ्रॉम से. फ्रॉम, फ्रॉम में क्या आएगा? फ्रॉम में आएगा सेंडर्स ईमेल आईडी और एड्रेस. सेंडर का ईमेल एड्रेस लिखना है. सेंडर मीन्स आप खुद, आपका खुद का ईमेल आईडी लिखना है. ईमेल आईडी या फिर ईमेल एड्रेस आप जब भी लिखो तब बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़नी है. कभी कभी पहले ही इंस्ट्रक्शन में जो भी आपका क्वेश्चन होता है उसमें पहले ही कोई भी सेंडर का नेम अगर दे दिया हो तो आपको याद करके अपना खुद का नेम नहीं लिखना है या फिर अपना खुद का आईडी नहीं लिखना है. जो कि जिस पर्सन का नेम दिया है एज इफ ऐसा दिया होता है कि यू आर, सपोज यू आर अखिल, तो आपको अखिल के नाम से ही ईमेल आईडी बनाना है. और ईमेल आईडी जब भी बनाओ उसमें न्यूमेरिकल नंबर्स भी डालना होता है. फॉर एग्जाम्पल अखिल 123@gmail.com. जब आप ये पूरा ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस लिखो तब बिल्कुल भी बीच में स्पेस नहीं छोड़नी है. अब फ्रॉम के बाद में आएगा टू. टू में आपको किसका एड्रेस लिखना है? रिसीवर्स. रिसीवर मीन्स जिसको आप ईमेल सेंड करने वाले हो, वो सामने वाला पर्सन. रिसीवर का ईमेल आईडी लिखना है उसमें. द सेम वे जैसे मैंने अभी फ्रॉम में समझाया कैसे ईमेल आईडी लिखना है, वैसे सेम टू रिसीवर्स का ईमेल आईडी डालना है. उसके बाद नंबर थर्ड पे आएगा सीसी और बीसीसी. सीसी का फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी, बीसीसी का फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम इज सीसी में एक से ज्यादा पर्सन को एक ही मेल सेंड करने वाले हो, वो दूसरे दो तीन पर्सन जिसको आप सेंड करने वाले हो वो सबका ईमेल आईडी डालना होगा और वो सेम तारीख को, वो सेम टाइम को एक ही मैसेज जितने भी पर्सन को आप भेजना चाहते हो उसको भेजा जाएगा. बीसीसी में क्या होता है? बीसीसी में अगर आपने बीसीसी करके डाला तो बीसीसी में लिखना है जिसका भी आपने ईमेल एड्रेस डालना है वो डाल सकते हो. एक से ज्यादा स्टूडेंट्स को, एक से ज्यादा पर्सन को जब आप लिखना चाहते हो, ईमेल सेंड करना चाहते हो, तब आपको सीसी और बीसीसी में उनके एड्रेस, उनके ईमेल आईडी डालने हैं. बट उसमें डिफरेंस क्या है? जब आप सीसी करके डालोगे ईमेल आईडी तब वो जितने भी दो तीन पर्सन है दूसरे, जिसको एक दूसरे को पता होगा कि एक ही मैसेज ऑनर के थ्रू या फिर सेंडर के थ्रू एक ही मैसेज, एक ही ईमेल सबको सेंड किया गया है. वेदर इन बीसीसी, बीसीसी में जितने भी ईमेल आईडी बीसीसी में डाले होंगे उनको एक दूसरे को पता नहीं चलेगा कि एक ही मैसेज, एक ही ईमेल सबको सेंड किया गया है ऑन पर्टिकुलर टाइम. अब आपको बोर्ड में क्या करना है? सीसी और बीसीसी करके लिख के उसमें सिर्फ डैश कर देनी है. इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू वांट टू राइट और नॉट. उसमें मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटते. सिर्फ आपको लिखना है तो सीसी और बीसीसी करके डैश कर दो और अदरवाइज वांट टू राइट देन दो ईमेल आईडी और लिख दो.
फोर्थ नंबर पे आएगा डेट, डेट में जिस दिन आपकी एग्जाम होगी उसी दिन की तारीख लिख दो। जैसे कि सपोज आपका पेपर है 7th को, तो 7th, April, 2022, कॉमा की जगह पे आप फुल स्टॉप भी कर सकते हो, या फिर विदाउट फुल स्टॉप विदाउट कॉमा भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो 7th April 2022। लास्ट नंबर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेदर यू राइट योर फॉर्मल ईमेल, तो फॉर्मल में सब्जेक्ट लिखे बिना आपका ईमेल अधूरा है, मस्ट मेंशन सब्जेक्ट। आपको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन में क्वेश्चन में दिया ही होगा आपका सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट को शॉर्ट में वहां पे प्रिफर करो। इतना लिखे जाने के बाद में लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, फर्स्ट पे है फ्रॉम, सेकंड में टू, थर्ड सीसी और बीसीसी, सीसी ऑब्लिक बीसीसी वी कैन से, नंबर फोर्थ डेट, नंबर फिफ्थ सब्जेक्ट। इसको नंबरिंग करके नहीं लिखना है, दैट वी नो, ओके। सिर्फ आपको याद रखने के लिए नंबर में बता रही हूं। ये जब भी लिखो उसके बाजू में जो हम करते हैं वो कोलम करना है, सेमी कोलम नहीं है, या फिर कोलम करके उसके बाजू में डैश नहीं करनी है, और वो कोलम एक के बाद एक एक ही लाइन में होनी चाहिए। अब ये लिखे जाने के बाद में इसको भी एक छोटा छोटे से बॉक्स में, छोटा सा बॉक्स इसको भी ड्रॉ कर दो, फ्रॉम टू सीसी बीसीसी डेट और सब्जेक्ट को भी एक छोटे से बॉक्स में रख दो। आफ्टर दैट वो बॉक्स ड्रॉ करने के बाद में एक दो लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन आएगा। सैल्यूटेशन में क्या लिखना है, अगर आप इनफॉर्मल ईमेल लिख रहे हो सैल्यूटेशन में, इनफॉर्मल में कोई फ्रेंड को फैमिली मेंबर को लिख रहे हो, तो वहां पे हम लोग अगर फैमिली मेंबर को लिख रहे हो तो डियर फादर, अगर फ्रेंड के फ्रेंड को लिख रहे तो डियर फ्रेंड, कोई अंकल के लिख रहे तो डियर अंकल, ऐसा आएगा। अगर हम फॉर्मल ईमेल लिख रहे हैं कोई ऑफिशियल पर्सन को लिख रहे हैं तो वहां पे डियर नहीं आएगा, क्या आएगा, रिस्पेक्टेड सर। रिस्पेक्टेड सर करके आपको कॉमा करके एक लाइन छोड़ के नंबर नेक्स्ट पे आएगा बॉडी ऑफ एन ईमेल। आपका जो बॉडी ऑफ एन ईमेल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड में, उसके ओनली बॉडी ऑफ एन ईमेल के 2 marks है, पर्टिकुलर ईच 2 marks। बॉडी ऑफ एन ईमेल में आपको ध्यान रखना है, जब आप इनफॉर्मल लिख रहे हो कोई फ्रेंड को, जैसे कि सपोज फैमिली मेंबर को, तो बॉडी ऑफ एन ईमेल में पहला ही पैराग्राफ अगर इनफॉर्मल लिख रहे हो तो उसमें सामने वाले पर्सन को आपको हाय हाउ आर यू या फिर हेल्थ के बारे में पूछना है, अगर पापा अंकल को लिख रहे हो तो, फिर दूसरा अपने बारे में बताना है 2-3 lines में। आफ्टर दैट नेक्स्ट 4 or 5 lines में आपका जो पर्पज है, आपने जिस सब्जेक्ट की वजह से वो ईमेल लिखा है उसके बारे में लिख दो, एंड लास्ट 1 line में लिख दो रिगार्ड्स टू ऑल। यही सेम सिचुएशन, अगर यही सेम ईमेल आप बॉडी लिखना चाहते हो फॉर्मल में, तो क्या लिखना है, फॉर्मल में सामने वाले पर्सन को, ऑफिशियल पर्सन को हमें हाय हाउ आर यू नहीं लिखना है, डायरेक्टली जंप ऑन मेन सब्जेक्ट, फॉर वॉट यू राइट, फॉर वॉट रीजन यू राइट दिस ईमेल, वही रीजन को डिस्क्राइब करना है आपको आपके बॉडी ऑफ एन ईमेल में, स्टार्टिंग से ही 2 paragraph में। ये रहा बॉडी ऑफ एन ईमेल। उसके बाद में लास्ट में आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करनी है। अभी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो, चाहे ये फ्रॉम टू सीसी बीसीसी जो भी बताया मैंने, सैल्यूटेशन हो, रिस्पेक्टेड सर, ये सब हर एक चीज आपको लेफ्ट साइड में ही लिखना है। ईमेल राइटिंग में सब कुछ लेफ्ट साइड में ही लिखना होता है। अभी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या है, तो उसमें हमें क्या याद रखना है, अगर हम इनफॉर्मल लिख रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या आएगा, योर्स लविंगली, या फिर हम लोग विथ रिगार्ड्स भी लिख सकते हैं, ओके, और कॉमा करके फिर आपका खुद का नेम। अगर सेंडर का खुद का नेम दिया है क्वेश्चन में या फिर इंस्ट्रक्शन में, तो उसका नेम ही नीचे आएगा, नीचे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में विथ रिगार्ड्स या फिर योर्स लविंगली लिख के कॉमा करके उसका ईमेल आईडी नहीं लिखना है, जस्ट राइट दी पर्सन्स नेम। अगर हम लोग फॉर्मल लिख रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या आएगा, योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, लाइक दिस, और उसमें भी कॉमा करके नीचे पर्सन का आपका खुद का नेम। इतना सब कुछ लिखा जाने के बाद में आपको पूरे इतने जितने भी लाइंस हो सबको बॉक्स में कवर कर देना है विद द यूज ऑफ पेंसिल।
प्लीज डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ अ बॉक्स. दिस इज अ फुल आइडिया रिगार्डिंग ईमेल राइटिंग. ईमेल के दो टाइप्स है, वो भूलना नहीं है. आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका इंस्ट्रक्शन, आपका क्वेश्चन कौन से टाइप का ईमेल पूछा गया है, इनफॉर्मल है या फिर फॉर्मल. उसी के बेस पे आपका सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और बॉडी ऑफ एन ईमेल चेंज होगा. बिकॉज पहला जो हेडर है फ्रॉम टू BCCCC डेट सब्जेक्ट, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है. सो प्लीज रिमेम्बर, इनफॉर्मल है या फॉर्मल है वो ईमेल आपको पहले देख लेना है, समझ लेना है, उसके बाद ही लिखना स्टार्ट करना है.